अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बनाएंगे पास्ता। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसमें दो टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें एक प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे और एक हरी मिर्च डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता मैंने पहले ही उबाल कर रख दिया है साइड में। आप अपनी मनपसंद शेप का पास्ता ले सकते हैं, यह मैंने पास्ता शेव लिया है, आप कोई भी ले सकते। अब हम डालेंगे आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बारीक कटा हुआ टमाटर, इसे भी डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे उबला हुआ पास्ता शेव। पास्ते को उबालने के लिए पानी में नमक और तेल डालकर उबाल लेंगे और छलनी से छान लेंगे। ये सब डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ टेस्ट के लिए शेजवान चटनी ली है, आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है पास्ता। पास्ता तैयार हो चुका है हमारा। गार्निशिंग के लिए ऊपर से हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे और बनकर रेडी है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।